नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर महागठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल एक दूसरे पर हमलावर है। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जहां राजद पर भाजपा से मिलीभगत करने की आशंका जाहिर की है, वहीं उनके इस बयान पर राजद ने आपत्ति जताई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शनिवार को कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग बकवास कर रहे हैं, वह फालतू बातें कर रहे हैं, उन्हें अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इस बार के बजट में विकास चालक के रूप में पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखने और महामारी के बाद के राजकोषीय समेकन को जारी रखते हुए विनिर्माण को गति देने की संभावना है। वित्त मंत्री पूंजीगत व्यय को जीडीपी के मौजूदा 2.9% से बढ़ाकर लगभग 3.5% करने की कोशिश कर सकते हैं। वह मांग बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों को भी युक्तिसंगत बना सकती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलवाने में विफल रही है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम करने की ढकोसला करती है, ऐसी स्थिति में बिहार के किसान की स्थिति नाजुक है। खासकर सब्जी उत्पादक किसान बेहाल है, कीटनाशक तथा उर्वरक के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार शशि थरूर को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत के आंकड़े हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी साल 2019 की तरह ऐतिहासिक जीत अब दोबारा हासिल नहीं कर पाएगी। अप्रत्याशित बहुमत हासिल करना बीजेपी के लिए अब असंभव है। कैमूर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह बीजेपी के अनुकंपा पर आए हैं और वह उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। महंगाई के जमाने में सस्ता सुनना थोड़ा अजीब है, लेकिन सरकार कई ऐसे स्कीम चला रही है जो बेहद ही सस्ती है, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस स्कीम के तहत काफी कम प्रीमियम पर जीवन बीमा की सुविधा मिलती है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से PMSBY एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सिर्फ 20 रुपए में खाता धारक को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। सेंट्रल GST की टीम ने बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी की है। GST की टीम ने बिहार के विभिन्न जिलों के 2 दर्जन से अधिक कारोबारियों के ठिकानों पर रेड दिया है। मामला टैक्स जमा नहीं करने का है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, दरभंगा समेत अन्य शहरों की चुनिंदा कंपनी और ठेकेदारों के यहाँ छापे की कार्रवाई की गई है। हर साल जनवरी का महीना नई उम्मीदों के साथ आता है। इस दौरान यूनियन बजट से भी आम आदमी की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। बिजनेसमैन से लेकर सैलरी क्लास तक और फाइनेंस एक्सपर्ट सबकी अपनी विशलिस्ट होती है। यह भी सही है कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स कम इनकम टैक्स और टैक्स सेविंग से ही पूरे हो पाते हैं। बजट को लेकर सभी ने अपनी सिफारिशें की हैं। नौकरी पेशा की तरफ से सबसे बड़ी मांग 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने की जा रही है। इसके अलावा आयकर की धारा 80 के तहत निवेश सीमा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था और परंपरा के महास्नान के लिए बांका जिले में स्थित 3 धर्मों की संगम स्थली मंदार की तराई में स्थित पापहरणी सरोवर में महास्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शुक्रवार सुबह से ही स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। ठंड के बावजूद मकर संक्रांति पर स्नान के लिए कई दिन पहले से ही सफा धर्मावलंबियों का जमावड़ा मंदार में लगा हुआ है। लोगों ने स्नान के बाद अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक व्यंजन का भरपूर आनंद लिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में है। दोपहर के समय यात्रा में साथ चल रहे कांग्रेस सांसद संतोख सिंह को हार्ट अटैक आ गया। तबियत बिगड़ता देख तुरंत उनको फगवाड़ा के विर्क अस्पताल ले जाया गया। वहां पर कुछ देर उनका इलाज चला मगर उनकी मौत हो गई। वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। संतोखी जलंधर संसदीय क्षेत्र से 2014-19 में चुनाव जीते थे। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंगला ने कहा कि आज हमने यात्रा बंद कर दिया है, आगे भी जो होगा AICC बताएगा, लेकिन आज हमारी यात्रा बंद रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ फोन पर बातचीत की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने बताया कि राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच NIA को सौंपी गई है। उन्होंने जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। उन्होंने कहा कि आतंक के खात्मे को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का भरोसा दिया गया है। देश की FMCG कंपनियों ने डेली यूज की चीजों के दाम में बढ़ोतरी की है। इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
एफएमसीजी कंपनियों ने साबुन टूथपेस्ट जैसे डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले आइटम के भाव में 258% तक की बड़ी बढ़ोतरी की है। इससे पहले इन कंपनियों ने जनवरी 2022 में इन आइटमों के दाम में 3% से लेकर 20% तक की वृद्धि की थी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने अपनी एक साल की अवधि के लोन पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स यानी MCLR बढ़ाने का फैसला लिया है। बैंक ने अपने एक साल के MCLR पर 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। पहले यह 8.40% था जो अब बढ़कर 8.50% हो जाएगा। स्टेट बैंक ने यह ऐलान किया है कि नई दरें रविवार यानी 15 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। इस बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों पर होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन आदि जैसे कई लोन की EMI का बोझ बढ़ेगा। भारतीय रेलवे की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और नेपाल के दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को कवर करते हुए 17 से 7 दिवसीय विशेष यात्रा शुरू करेगी। श्री राम जानकी यात्रा रूट के तहत ट्रेन अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी। यह पहल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देगी। इस महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विस्तार को अंजाम देने की विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के कुछ सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद 8 जनवरी की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैराथन बैठक हुई। देश में जहां IPL के आगामी सीजन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, उसी बीच इस भारतीय लीग के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि ललित मोदी को पिछले 2 हफ्तों में 2 बार कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस कारण उन्हें लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा गया है। मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी और बताया कि उन्हें इलाज के लिए मेक्सिको सिटी से लंदन ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक बार फिर से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की मांग की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और तीसरे पक्षों की मध्यस्थता का स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र में वर्तमान सरकार के तहत देश में अस्थायी आर्थिक संकट के बारे में लोगों को चेतावनी दी। राहुल ने कहा, एक अस्पष्ट आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय मूल्य वृद्धि, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर पूरी तरह से कॉरपोरेट कब्जा है। राहुल ने लोगों को संबोधित पत्र में कहा कि लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं, उनकी आय में और गिरावट आ रही है, उनके बेहतर भविष्य के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, देश भर में निराशा की गहरी भावना है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा कांग्रेस सांसद शशि थरूर की राज्य में लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। शशि थरूर की लोकप्रियता केरल में सभी वर्गों के लोगों में, वह सामाजिक समूहों में भी सबसे अधिक मांग रखने वाले नेता हैं। शशि थरूर की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कांग्रेस पार्टी में दूसरे साथी नेता अब काफी चिंतित हैं। वहीं अब केरल में कांग्रेस को बचाने के लिए शशि थरूर को बुलाने की मांग भी बढ़ रही है। एक तरफ गूगल के CEO सुंदर पिचाई भारत में निवेश करने को लेकर अलग अलग वादे कर रहे हैं, भारत को टेक्नोलॉजी का भविष्य बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गूगल भारत के डिजिटलीकरण के नुकसान को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दे रहा है। गूगल ने प्रतिस्पर्धा नियामक के उस पर अपनी मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए जुर्माना लगाने पर निशाना साधा और कहा है कि इससे भारत में डिजिटलीकरण को नुकसान पहुंचेगा तथा कीमतें बढ़ेंगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर कुल 2200 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर कुछ बदले बदले से दिखे। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का जोर खाद्य, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों, COVID-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभावों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने नसीहत दी कि वैश्विक दक्षिण क्षेत्र को ऐसी प्रणालियों एवं परिस्थितियों पर निर्भरता के चक्र से दूर ही रहना चाहिए जो अनुरूप नहीं है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे 12,700 किसान योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। शासन ने EKYC नहीं कराने वाले किसानों को सम्मान निधि की आगामी किस्त पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जोशीमठ संकट को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को सलाह दी है कि वह जोशीमठ को लेकर मीडिया से कोई बातचीत न करें।
एनडीएमए ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि सरकार संस्थान सोशल मीडिया में जोशीमठ से जुड़ा डेटा जारी कर रहे हैं, साथ ही वहां के हालात पर से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा करने से न केवल प्रभावित परिवारों बल्कि देश के नागरिकों में भ्रम पैदा हो रहा है। 12 जनवरी को गृह मंत्री की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। बीसीसीआई अभी भी टीम के दो दिग्गज खिलाड़ियों की चोट से परेशान है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए टीम घोषित कर दी गई। रिहैब के चलते तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी भी टीम से बाहर है। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को जरूर जगह मिल गई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का लगभग आधा काम पूर्ण हो चुका है। अगली मकर संक्रांति तक गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। वहां उगते सूरज की किरणें मूर्ति के मस्तक पर पड़ेंगी। मकर संक्रांति पर्व से एक दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार को पत्रकारों को निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश दिया। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा ने इसी तरह के 2022 तक के वैश्विक तापमान के आंकड़े जारी किए और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख बिल नेल्सन ने उन्हें खतरनाक बताया। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा ने इसी तरह के 2022 तक के वैश्विक तापमान के आंकड़े जारी किए और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख बिल नेल्सन ने उन्हें खतरनाक बताया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया का रिकॉर्ड 5वां सबसे गर्म साल था और इसी तरह के पिछले 9 साल रिकॉर्ड सबसे गर्म साल था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अर्पण कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, महेंद्र कुमार, संदीप कुमार, एमडी नौशाद, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अनुराग, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, राजकिशोर कुमार, अभिनेश कुमार, एमडी साकिर हुसैन, संजय चौधरी, प्रवीण कृष्णा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वातावरण में हो रहे बदलाव को लेकर क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।